हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो जी आप सभी? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज अपना मिशन पंजाब जॉब्स का बैच 2 स्टार्ट होया जी। तो आज अपने डेमो लेक्चर्स हैं। तमेंदु मैम तुहानू रीजनिंग का सब्जेक्ट टीच करूंगी। आज अपना इस ग्रुप का वेरी फर्स्ट लेक्चर है। रीजनिंग दे चैप्टर नू शुरुआत करूँ तो पहले सब तो पहले आप देख रहे हैं कि बेसिकली रीजनिंग जो है इस कंप्लीट सब्जेक्ट में आप तीन पार्ट्स विच डिवाइड कर देने हैं जी। ठीक जी, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग अते लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होंगी है जी मौखिक तर्क शक्ति, मौखिक तर्क शक्ति। नॉन नहीं, गैर मौखिक तर्क शक्ति। नॉन वर्बल रीजनिंग गैर मौखिक तर्क शक्ति। क्लियर आज? लॉजिकल रीजनिंग इज लॉजिकल तर्क शक्ति। तो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग अते लॉजिकल रीजनिंग। तो आप अपने कंप्लीट रीजनिंग दे सब्जेक्ट नू तीन पार्ट से डिवाइड कर देने हैं और कैटेगरीज वाइज कंप्लीट कोर्स नू आप कोर्स दे विच आप इस सब्जेक्ट नू कवर करांगे। मौखिक तर्क शक्ति, गैर मौखिक तर्क शक्ति अते लॉजिकल तर्क शक्ति। मौखिक मीन्स मुख का यूज करना। तो इस पार्ट के अंदर आप अजे क्वेश्चन कवर करते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, जिन्हां दे विच तुसी पेपर अते पेन का यूज करते हो अपने क्वेश्चंस नूं सॉल्व करने लई। ठीक राजे, जिस तरह के डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आ गए, पजल्स आ गई, कंपैरिजन टेस्ट है, सीरीज है। मीन्स कि तुसी मुख का यूज कर रहे हो, शब्दों का यूज कर रहे हो। तुहानूं कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिते जांदे हैं। सब तो पहले तुसी उन्होंने स्टेटमेंट्स नूं रीड करते हो, अच्छे तरीके नाल अंडरस्टैंड करते हो, फिर पेपर और पेन का यूज करते हुए अपने क्वेश्चन नूं सॉल्व कर देंगे। दैट इज वर्बल रीजनिंग, मौखिक तर्क शक्ति। क्लियर? तो इस विच अपनी जो है ब्रेन पावर का यूज ज्यादा हो रहा है, तो माइंड ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आंदा है। आप अपने दिमाग का पूरा यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस नो सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट विच आप अराउंड 25 चैप्टर्स नो इस कोर्स के विच कवर करा। सेकेंड है जी गैर मौखिक तर्क शक्ति, मीन्स कि मुख का यूज नहीं है, शब्दों का यूज नहीं हो रहा। इस पार्ट दे तुहानू पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस दिते जांदे हैं जो कि तुहाडी विजुअल ऑब्जरवेशन पावर दे उपर बेस्ड हुंदे हैं। आपां नूं कुछ पिक्चर्स दे सैट दिते जांदे हैं जिन्हां नूं उहनां दे कंपैरिजन बेसिस दे उपर, रिलेशन दे आधार उत्ते, लॉजिक दे आधार उत्ते आपां ने सॉल्व करना हुंदा है। तां अपनी ऑब्जरवेशन पावर जो है बेसिकली सेकंड पार्ट दे चेक हो रही है। फर्स्ट दे तुहाडी ब्रेन पावर, सेकंड दे तुहाडी ऑब्जरवेशन पावर के अलग अलग सिचुएशंस दे विच किन्ना ध्यान दे नाल तुसीं वक्त वक्त ऑब्जेक्ट्स नूं गिवन सिचुएशंस नू ऑब्जर्व कर रहे हो और अपने क्वेश्चन नू आंसर करोगे। ठीक जी, तो सेकंड की अपने को नॉन वर्बल गैर मौखिक तर्क शक्ति, जिस दे विच आपां शब्दों का यूज ना करते हुए अलग अलग पिक्चर्स के सैट नू कंपेयर करते हाँ या लॉजिक्स के आधार उत्ते आंसर देने की कोशिश करते हाँ। इस पार्ट विच आपां अराउंड 10 चैप्टर्स जो हाँ कोर्स के विच कवर करांगे राजे। थर्ड है जी लॉजिकल रीजनिंग, जो कि तुहाडे बिहेवियर नू रिप्रजेंट करती है। अलग अलग सिचुएशंस दित्तियां जांदियां, अलग अलग सिचुएशंस विच तुसीं किस तरह रिएक्ट करदे हो, अलग अलग कथनां दे उपर किस तरह तुहाडा कंक्लूजन आंदा है, की तुहाडे डिसीजनस रहिंदे हैं, किस तरह तुसीं अलग अलग स्टेटमेंट्स उपर आर्गूमेंट्स दिंदे हो, की अजम्पशंस लै सकदे हो। ये सब चीज़ां जो हन तुहाडे थर्ड पार्ट दे विच कवर हो जांदे। बेसिकली तुहाडा बिहेवियर जो है वह थर्ड पार्ट दे विच चेक हुंदा है। ठीक जी, तो इस दे विच आपां अराउंड 5 चैप्टर्स जो हन कवर करते हैं, या तुसी कह सकते हो थिंकिंग पावर जो है तुहाडी थर्ड पार्ट दे विच चेक हो जाते। इस पार्ट दे विच आपां अराउंड 5 चैप्टर्स जो हैं क्लास के विच कवर करांगे। इस रीजनिंग दे कोर्स दे विच आपां लगभग 40 चैप्टर्स जो हैं इस कोर्स दे विच कवर करने हैं। ठीक जी, वर्बल रीजनिंग दी वेटेज सब तो वध रहेगी। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दा पार्ट तुहानूं मैं खुद कवर करांगी अते लॉजिकल रीजनिंग तुहानूं दीपक सर कवर करनगे जी। लॉजिकल रीजनिंग दा पार्ट दीपक सर दे द्वारा कवर करवाया जाएगा। क्लियर है जी? तो सब तो पहले आज दे इस सेशन दे विच आपां वर्बल रीजनिंग तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बड़ा कंफर्टेबली तुसी सारे ही क्वेश्चंस नूं आराम नाल कवर कर सकते हो। अज आपां अपनी वेरी फर्स्ट चैप्टर दे नाल शुरुआत करते हाँ। वेरी फर्स्ट चैप्टर बहुत ईजी इंपॉर्टेंट है। ठीक जी, फर्स्ट चैप्टर है, छोटा जहा चैप्टर है राजे,
फर्स्ट चैप्टर इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस दे विच ही आपां इस सब्जेक्ट नूं कवर करांगे। क्लियर? जो सिलेबस है कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस मैं तुहानूं पीडीएफ ग्रुप से भी शेयर कर देंगी, सब बच्चों ने उसनों अपनी प्रिंट आउट्स लैके शीट्स से नूं अपनी कॉपी विच फिक्स कर लेना और उसनों नाल नाल मैनेज कर लेना। थर्ड सिचुएशन है गुरशरण कि जिससे तुहाडा बिहेवियर थिंकिंग पावर चेक हो रही है, अलग अलग सिचुएशन दे विच किस तरह रिएक्ट करते हो, की कंक्लूजनस लेंदे हो, किस तरह की अजम्पशंस अनुमान लगाते हो, जिसनों पंजाबी बोलते तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना, एक राज किस तरह की कल्पना कर लेंदे हो। ये इस तरह के अलग अलग बिहेवियर बेस्ड थिंकिंग पावर बेस्ड चैप्टर जो हैं क्लास के कवर करवाए जाते हैं। ठीक जी, तो फर्स्ट चैप्टर जो आप वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट चैप्टर जो आप क्लास की शुरू कर रहे हैं, दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों को लॉजिकली अरेंज करना। नंबर ऑफ वर्ड्स तो गिवन होंगे हैं, फोर वर्ड्स आ सकते हैं, फाइव हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं, एज पर द सिचुएशन। इन्हों को इस तरीके लॉजिकली अरेंज करना है कि इन्हों अरेंजमेंट तो बाद या तो कोई प्रॉपर सेंस बने, कोई सीक्वेंस बन जाए, किसी स्टोरी को रिप्रजेंट कर या किसी भी घटना को रिप्रजेंट कर। शब्दों का अरेंजमेंट इस तरीके करना कि अरेंजमेंट तो बाद यह शब्द किसी भी घटना या किसी भी स्टोरी को दर्शाते हो। क्लीयर जी? हाँ जी। इस तो इलावा देखो मैंने तो जिस तरह हूँ ही दसिया कि अपने को अराउंड फाइव टू सिक्स वर्ड्स दिते जाते हैं जिन्होंने अपने लॉजिकली अरेंज करना होंगे ताकि अपन कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस प्राप्त हो जाए जो कि किसी भी सिचुएशन को रिप्रजेंट करेगा या फिर किसी भी स्टोरी को रिप्रजेंट करे। ठीक, जिस तरह के सपोज मैं थानू कहनी हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल गर्ल इज शी। हूँ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज कोई भी शब्द प्रॉपर सेंटेंस नहीं बने, परंतु अगर मैं बोलना शी इज ब्यूटीफुल गर्ल तो उसका एक प्रॉपर मीनिंग है कि वह एक सुंदर लड़की है। ठीक राजे, तो इस तरह अपने शब्दों को अरेंज करना है। अगर तो रेंडमली हाँ किसी भी सिचुएशन या स्टोरी को रिप्रजेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी गल है। इन केस बॉडी पार्ट्स की गल हो रही है, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स मीन शरीर के किसी पर्टिकुलर अंगा की गल हो, जिस तरह के हाथों की गल हो, मोडे तो लैके तुहाडे नाखुना तक फिंगरस तक, ठीक है, थाइस तो लैके पैरों तक गल हो रही है, तो हमेशा छोटा पार्ट, छोटा की है नाखून है, तुहाडियां उंगलियां ने, उंगलियां तो शुरू करके शोल्डर वाल आने, हेठा तो उपर वाल चलने जी। अगर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की गल हो रही है जिस तरह के मोडे तो लैके बाहां दी, थाइस तो लैके पैरों की, तद आपां ने की करना राजे, हेठा तो उपर वाल आना, नीचे तो उपर वाल चलना, बॉटम टू टॉप वाल तुसी मूव करना। क्लीयर राजे? जिस तरह की उंगलियां तो शुरू किया, उंगलियां आ गई, फिर हथेली आ गई, कोहनी आ गई, फिर मोढ़ा आ गया। सिमिलरली पैर का अंगूठा, एंकल, लैग, नी एंड थाइस, इस तरह तुसी चलना होंगे। अगर कंप्लीट बॉडी की गल हो रही है, कंप्लीट बॉडी की गल हो रही है, तद आप हमेशा टॉप टू बॉटम चलते। क्लीयर है जी? तद आप हमेशा टॉप टू बॉटम, जिस तरह कि छोटे बच्चे सिखाया जाता है, जो तो आप बच्चे सीधा पैर के अंगूठे के बारे तो नहीं दसते, आप कि बोलते हैं कि पहले आईज हैं, नोज, ईयर, लिप्स, हैंड्स, है ना, तो तुम टॉप टू बॉटम के वाल मूव कर रहे हो। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, कुछ बच्चों कन्फ्यूजन रहती है, जिस तरह कि मैंने हमने एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि टॉप टू बॉटम लो। अगर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की गल होंगी राजे तो हमेशा ही बॉटम टू टॉप, नीचे तो उपर वाल आओगे। अगर कंप्लीट बॉडी पार्ट सिर तो लैके पैरों वाल जा रहे हो तो आप कि चलोंगे उपर तो हेठा वाल चलते हो। क्लीयर? सिमिलरली इन केस ऑफ साइज एंड प्राइस, इन केस ऑफ साइज अगर आकार की गल हो रही है तो छोटे तो व्डे वाल चलोगे, समॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दे वाल तुसी मूव करने जी। क्लीयर जी? इन केस आकार की अगर गल हो रही है तो अपन कि मूव करना है, छोटे तो व्डे। और अगर कीमत की गल हो रही है, प्राइस की गल हो रही है, तद आप हमेशा सस्ते तो महंगे वाल चलेंगे, चीप टू कॉस्टलियर, सस्ते तो महंगे वाल तुसी की करना है जी, मूव करना। तो इन्हों पॉइंट्स में तुसी ध्यान दे विच रखने, अगर रेंडमली वर्ड्स दिते गए हैं तो उन्होंने अरेंजमेंट तो बाद कोई भी प्रॉपर
सिक्वेंस बने, मीनिंगफुल सेंटेंस बने जो कि किसी भी सिचुएशन नू या सीन नू या स्टोरी नू रिप्रेजेंट करे। अगर पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स की गल हो रही है, हमेशा हेठां तों उपर वल बॉडी की गल हो रही है कंप्लीट, तो सिर तो लैके पैरों वाल जाओगे। अगर आकार की गल है तो सब तो छोटे तो वड्डे वाल, और अगर कीमत की गल है राजे तो अपने सस्ते तो महंगे वाल चलना। क्लीयर? तो दो एग्जाम्पल्स मैं तुम दवांगी, फस्ट टू एग्जाम्पल्स मैं तुम कवर करवाऊंगी जी, उस तो बाद फिर तुम अपने आप क्वेश्चन करोगे और आप बाद चेक करा। ठीक जी, सपोज वेरी फस्ट क्वेश्चन राजे, फस्ट क्वेश्चन इज वर्ड पैराग्राफ वर्ड पैराग्राफ सेंटेंस लेटर्स लेटर्स एंड चैप्टर पार्ट। ठीक जी, शब्द पैराग्राफ वाक्य अक्षर अते पूरा पार्ट। हुण देखो सब तो छोटी इकाई की है इस दे विच, जो आप बच्चे नर्सरी के पाने तो सब तो पहले आप उसमें की सिखाने राजे, ए बी सी डी सिखाने है ना। सब तो पहले बच्चे की सिखाया जाता है जी, ए बी सी डी सिखाया जाता। तो फस्ट ऑफ ऑल की आएगा अक्षर लैटर सिखाए जाते हैं। क्लीयर? जो तो लैटरस बच्चा सीख जाता है तो नैक्सट क्लास में आप उसू सी ए टी कैट बी ए टी बैट एम ए टी मैट आईज हैं नोज है इस तरह उन्होंने स्पैलिंग सिखाने शुरू कर दें। अक्षरों के ज्ञान तो बाद की सिखाया जाता है वर्ड्स का ज्ञान, दैन वर्ड्स की फॉर्मेशन तो बाद सेंटेंस मेकिंग सेंटेंस बनाने सीख जाते हो पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स के कॉम्बीनेशन तो की बन जाता है राजे चैप्टर बन जाते हैं जी। क्लीयर हो गया सब बच्चों किस तरह करने क्वेश्चन? वेरी गुड राजे, लैटर वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ एंड चैप्टर। क्लीयर टू एवरीबडी? नैक्सट क्वेश्चन नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, सेकेंड एग्जाम्पल है जी फैमिली परिवार। फर्स्ट राजे फैमिली परिवार कम्युनिटी कॉम, कम्युनिटी क्या होंगी है राजे कॉम। नेक्स्ट इज मेंबर सदस्य एंड लोकैलिटी मोहल्ला नेक्स्ट इज कंट्री देश। परिवार मोहल्ला परिवार कौम मेंबर लोकैलिटी अते कंट्री। मेरे को पांच वर्ड्स हैं, साइज वाइज इसमें अरेंज करांगे की हो सकता है। सब तो पहले सब तो छोटी काई की है राजे मेंबर्स, कुछ व्यक्ति कुछ सदस्य मिलके एक परिवार बनाते हैं। कुछ सदस्य मिलके की बनाते हैं राजे एक परिवार बनाते हैं, कुछ परिवारों मिलके एक मोहल्ला बनता है। कहते ना फलाने मोहल्ले च पांच फैमिलीज हैं, इस मोहल्ले च भी परिवार हैं, इन्ने घर हैं, तो कुछ फैमिलीज मिलके एक घर बनाती हैं, कुछ घर मिलके एक कौम बनाती हैं, तो कुछ कौमा मिलके एक देश नूं जन्म दिंदियां हन। तो राइट आंसर की होएगा? सब तो पहले मैंबर आएगा, मैंबरस मिला के फैमिली बनती है, फैमिलीज नूं मिलके एक कौम मोहल्ला बनता है, कुछ मोहल्ले मिलके एक कम्यूनिटी बनाते हैं, और कुछ कम्यूनिटीज मिलके एक देश नूं जन्म दिंदियां हन। क्लीयर टू एवरीबडी? बहुत ईजी चैप्टर है, एक एग्जाम्पल होर लैने एग्जाम्पल नंबर थ्री, कंसल्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राजे कंसल्ट विचार विमर्श करना, कंसल्ट होंगे जी विचार विमर्श करना, किसी ना गलबात करनी। नेक्स्ट इलनेस बीमारी, रिकवरी सुधार होना, रिकवरी राजे सुधार होना, ट्रीटमेंट उपचार अते डॉक्टर चिकित्सक। क्लीयर? मैनू पांच वर्ड्स दिते गए हैं, कंसल्ट विचार विमर्श करना, इलनेस बीमारी, रिकवरी सुधार होना, ट्रीटमेंट उपचार अते डॉक्टर चिकित्सक। हुण उन्हां नूं आपां ने एज पर दी सिचुएशन अरेंज करना है। तो सब तो पहले की आएगा जी अपने कोल इलनेस बीमारी,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਟਾਫਟ ਤਾਂ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਈ ਸੀ, ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ? ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ। ਸ਼ੋਲਡਰ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਪਾਮ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਮੋਢਾ, ਕੰਧਾ, ਪਾਮ, ਹਥੇਲੀ, ਐਲਵੋ, ਕੂਨੀ, ਫਿੰਗਰਸ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਟ, ਕਲਾਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਨੇਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼, ਵਿਲੇਜ, ਪਿੰਡ, ਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਲੇਜ, ਪਿੰਡ, ਸਿਟੀ, ਸ਼ਹਿਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ, ਰਾਜ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੱਟ, ਕੱਟਣਾ, ਪੁੱਟ ਔਨ, ਪਹਿਨਣਾ, ਮਾਰਕ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ, ਮਾਰਕ ਰਾਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ, ਮੈਜਰ, ਮਾਪਣਾ ਅਤੇ ਟੇਲਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ? ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਫਰੋਗ, ਡੱਡੂ, ਸਨੇਕ, ਸੱਪ, ਗਰਾਸ, ਘਾਹ, ਈਗਲ, ਬਾਜ ਅਤੇ ਗਰਾਸ ਹੋਪਰ, ਟਿੱਡਾ ਜਾਂ ਪਤੰਗਾ ਜੋ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਜੀ, ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ, ਐਲੀਫੈਂਟ, ਹਾਥੀ, ਕੈਟ, ਬਿੱਲੀ, ਮੋਸਕੀਟੋ, ਮੱਛਰ, ਵੇਲ, ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ, ਚੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਰਾਜੇ ਸੋਲਵ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੀ ਫਾਸਟ ਰਾਜੇ। वेरी गुड एवरीबडी, बहुत ईजी टॉपिक है, बड़ी आसानी दे नाल तुसी सब्जेक्ट नू कवर करोगे और आज का टॉपिक भी बहुत ईजी है। चेक करिए जी, डन है, सब दे क्वेश्चंस हो गए हैं। वेरी गुड राजे, चलो जी चेक करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है अपने को, शोल्डर, मोढ़ा, हथेली, कूनी, उंगलियां अते कलाई। तो सब तो पहले की आएगा राजे, उंगलियां, बॉटम टू टॉप वाल चलना है क्योंकि बॉडी पार्ट की गल कर रहे हैं। ठीक, उंगलियां तो बाद की आती है अपनी हथेली आ जाती है। देखो हथेली है ना उंगलियां, उस तो बाद की आ गई अपनी हथेली। ठीक, नेक्स्ट इज पाम, हथेली तो बाद की आएगी कलाई, गुट जिसनों आप बोल रहे, इससे अपनी घड़ी बांध दो, राखी बांध दो। ठीक, कलाई, दैन कोनी, कोनी तो बाद की आ जाता है जी मोढ़ा, शोल्डर। क्लीयर, मैच हो गया सब का। नैक्सट इज नैक्सट क्वेश्चन है राजे अपने को, फस्ट ऑफ ऑल नेशन, नेशन किसन बोलते हैं आप, देश, दैन पिंड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट होंगे जी जिला, आते उस तो बाद अपने कोल की है स्टेट। तो सब तो छोटा की है इसके विच एरिया वाइज पिंड, सब तो छोटे की होंगे हैं जी पिंड, पिंडा तो वड्डे होंगे राजे, शहर, शहरां तो वड्डे जिले, जिलों तो वड्डे होंगे राज्य, और राज्यों तो वड्डे होंगे एक देश। क्लीयर, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सब तो पहले मापिया जाता है, मेजरमेंट लीती जाती है, जो भी तुसी ड्रेस अपनी सिलवा रहे हो, उस तो बाद जो भी कपड़े की सिलवानी उसके ऊपर आप निशान लगाने, मार्क लगाने, मार्क लगाने तो बाद उसकी कटिंग होंगी है, कटिंग होने तो बाद सिलाई होंगी है, और सिले जाने तो बाद आप उस ड्रेस में पहन लेंगे। क्लीयर है जी। नेक्स्ट, सब तो पहले ग्रास, घा, घा कौन खा जाते हैं, टिड्डे, घा खाने वाले पतंगे, इन्हों कौन लै जाते हैं जी, डड्डू, डड्डू नू कौन खा जाते हैं, सप, और सप नू कौन चुक के लै जाता है, बांस। तो और एक फूड चेन नू, भोजन लड़ी नू दर्शाया गया। क्लीयर, नेक्स्ट, सब तो छोटा की होंगे राजे, मच्छर, साइज वाइज देखना पेगा अपन क्योंकि ना सच कोई भी रिलेशन नहीं, मच्छर तो वड्डी बिल्ली, बिल्ली तो वड्डा चीता, चीते तो वड्डा हाथी, हाथी तो वड्डी की होंगी राजे वे मच्छी। क्लीयर, मैच हो गया सब दे, राइट डाउन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स्थ क्वेश्चन है राजे अपना, रेन, बारिश, रेनबो, तरंगी पिंक, हैप्पी, खुश, तन, सूरज, चाइल्ड, बच्चा। सेवेंथ क्वेश्चन राजी, रिलीफ, आराम मिलना, रिलीफ, आराम मिलना, क्लर्ज, हड़।
रिलीफ, आराम मिलना, रेस्क्यू बचाव प्रक्रिया, ठीक राजे। मानसून, मानसून ने मौसम नू बोलते हैं जी। एंड रेन, एंड रेन बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन राजे, नेक्स्ट इज मदर, माँ, क्राई चिल्लाना, हैप्पी खुश होना, चाइल्ड बच्चा, मिल्क दूध। नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है जी हील, एडी शोल्डर, मोडा, कल खोपड़ी, कल राजे खोपड़ी, नेक गर्दन, नी गोडे, नी हुंदे राजे गोडे, चेस्ट छाती, स्टमक पेट, हैंड हाथ। एंड टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन लिखो राजे, काओ गाय, बटर मक्खन, ग्रास का, कर्ड दही, मिल्क दूध। करो जी सॉल्व। हाँ जी राजे, दसो की आंसर आएगी। यस राजे, रजनी ग्रास, अगे अगे चलो। हाँ जी वेट, विजिबल नाउ। फर्स्ट वर्ड इज काओ, फर्स्ट वर्ड है राजी टेंथ द काओ गाय। नहीं जी, इतने इन्हों लॉजिकली अरेंज करना है तुसी,
तनु नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन है जिन्हें हम लॉजिकली अरेंज करने हैं ताकि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड जो है वो डिजाइन हो सके। वेरी गुड राजे, वेरी गुड गुरशरण, सरबजीत, वेट फॉर अनदर 3 मिनट्स। वेरी गुड कोमल, चलो चेक करिए जी। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, रेन, रेनबो, हैप्पी, सन एंड चाइल्ड। ठीक जी, तो सब तो पहले बारिश, जो बारिश होंगी अगर उसके बाद सूरज निकल दे तो सतरंगी पिंक बनती है, बच्चे उसनों देख के खुश हो जाते हैं। बारिश के दौरान जो हल्के हल्के किनमिन दे विच जेकर सूरज निकल आवे तो सतरंगी पिंक बनती है, जो बच्चे उसनों देखते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। क्लीयर। नैक्सट, मानसून के मौसम के जो भी हड़ बारिश होंगी है, सॉरी बधेरे बारिश करके हड़ आ जाते हैं जिस करके लोगों अपने घर बार छोड़ने पैंदे हैं, इधर उधर जाना आना पैंदा है, भजना पैंदा है और बचाव प्रक्रिया इस दे विच मेरे नंबर गलत पाते जी। मानसून के मौसम के बधेरे बारिश करके राजे हड़ आते हैं तो बचाव प्रक्रिया शुरू होंगी है जिस करके लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्लीयर। नैक्सट, बच्चा जो रोंदा है तो माँ उसनू दुध दिंदी है फिर वह खुश हो जाता है। एक बच्चा जो रोंदा है तो माँ उसनू दुध दिंदी है जिस नाल वह खुश हो जाता है। फस्ट ऑफ ऑल राजे हम देखो खोपड़ी तो लैके पैर की एडी तक आप जा रहे हैं, मीनस कि कंप्लीट बॉडी की गल हो रही है, तो सब तो पहले की आएगा राजे खोपड़ी। फस्ट ऑफ ऑल खोपड़ी ठीक टॉप तो आपने शुरू करना है, जो कंप्लीट बॉडी की गल हो तो टॉप टू बॉटम आपने चलना होंगे। खोपड़ी, खोपड़ी के नाल के आ गया अपना फेस, है ना। हम आप फेस का ऑप्शन तो है नहीं, फेस तो नीचे की है अपनी गर्दन। तो सेकेंड इज नैक, नैक तो बाद क्या आते अपने कंधे, शोल्डर। ठीक राजे, थर्ड की आ गया अपने को शोल्डर, शोल्डर तो बाद की आ जाने अपने को शोल्डर तो बाद की आएगा राजे अपने को हैंड्स। देखो हत्थां दा होर ते कोई रिलेशन नहीं है तुहाडे नाल, हत्थां दा अपना कोई भी लिंक नहीं है, तो पहले खोपड़ी, फेस, गर्दन, कंधे, कंधे तो हत्थां वाल, हत्थां तो फिर आप की आने वापिस आ जाने हैंड्स, हैंड तो बाद गर्दन तो नीचे वाल चलो चेस्ट, छाती, पेट, दैन गोडे और फिर लास्ट के विच हील्स। क्लीयर राजे। एंड द टेंथ क्वेश्चन इज काओ, बटर, मक्खन, ग्रास, दही अते दूध। एक गऊ जो घा खाएगी, मीनस के खाना खाना उसका घा की उसका खाने तभी वह तुम की देगी दुध देगी। दुध तो आप बनाने राजे दही, दही नू ब्लो के आप कड लें उस मक्खन कड लें जी। क्लीयर हो गया सबनों टॉपिक, कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट नू, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट राजे? हाँ जी, एनी डाउट? तो अपना अज का टॉपिक सीगा लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स, कल आप नए टॉपिक की शुरुआत करांगे जी। इस दे नाल ही अपने जो पेड ग्रुप्स हैं वो आज शुरू हो चुके हैं। इस कंप्लीट कोर्स की फीस 7000 है राजे। इसी कंप्लीट डिटेल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तुम इन्होंने नंबर के उपर कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अपने कोर्स की सारी डिटेल्स कलैक्ट कर सकते हो। अपने इस ग्रुप दे विच डेली तुहाडी लाइव क्लास रहेगी, कोई भी लैक्चर अगर लाइव ना लगा सको तो लैक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं, बाद जो मर्जी देख सकते हो और एग्जाम तक तुहाडे कोल रिकॉर्डड रहेंगे। डेली तुहाडी 4 घंटे की क्लास होएगी, टोटल 8 सब्जेक्ट्स आप इस कोर्स के कवर करांगे। करंट अफेयरस की क्लास डेली रहेगी, अराउंड 3 मंथ प्लस कोचिंग चलेगी और कोर्स एंड 4 to 5 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे जी।
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.